really proud about it, because as an actor, when you get some such kind of roles, you feel really blessed, because it's not so easy, you know, thinking about a rape victim. I don't know how much they go through about after the rape. So before the film, before the shoot, I was just thinking, and I had a lot of sleepless nights, because I didn't know how will I portray this thing, you know, emotions, because that girl who went through a lot, the pain, and ऊपर से समाज के जो सारी चीजें होती है कि सपोर्ट नहीं करना, घर से निकाल दो, इज्जत लड़की के साथ इज्जत, और लड़की की क्या गलती है अगर रेप हुआ उसके साथ. सो आई एम फीलिंग लाइक ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे ये फिल्म मिली, और वुमेंस डे पे रिलीज हो रही है, तो और भी अच्छी बात. No, no, I don't think so. I think, in fact, movement has started. It's the most relevant subject in the world today, which is the movement called hashtag MeToo, right? So, ये जो film है, हमारी जो film है, उस movement का एक झलक है, जहाँ पे एक rape victim को, हालांकि एक rape victim has to go through a lot of things. यहाँ पे जो झलक है कि जो societal pressures होते हैं, जो कि उनका husband है, वो भी कहीं ना कहीं supportive नहीं है, right? तो किस तरह से एक मूवमेंट उससे अगर जाग सकता है, इतने लोगों को वो आवाज़ दे सकता है, एंड औरतों को एक आवाज़ मिल जाती है बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट कॉल हैशटैग मी टू, व्हिच गॉट नथिंग टू डू विद बैड मैन एट ऑल. आई डोंट थिंक सो. आई डोंट फाइंड दैट कनेक्ट. डू यू एग्री विद दिस? इट विल बी अ गुड स्टार्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ, यू नो, पुटिंग इट ऑन गिगल प्लेटफॉर्म. देयर आर पॉसिबिलिटी टेकिंग इट टू द फेस्टिवल्स एंड ऑल. सी, आई थिंक दैट दिस हैशटैग मी टू इज सच अ मूवमेंट व्हिच इज वर्ल्ड ओवर, नो, एंड दैट मूवमेंट इन इंडिया इज एक्चुअली स्टिल बहुत अर्ली स्टेजेस पर है, ठीक है? तो ये जो मूवमेंट है, फिर दुनिया में बाहर, इंडिया के बाहर ये मूवमेंट बहुत ही बड़ा हो चुका है. हमारे देश में हालांकि ये शुरुआत हो चुकी है, और हमारा फिल्म भी वो एक, हमारी फिल्म भी जो है उसकी एक एक झलक है. तो आई फील यस, इट्स अ मूवमेंट दैट नीड्स टू ग्रो. औरतों को आवाज़ मिलनी चाहिए, करेज मिलना चाहिए, स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, एंड ये फिल्म उसी के बारे में बात करती है. हाउ प्राउड और हैप्पी फील, यू नो, समबडी लाइक अरबाज खान एंड राजीव वर हियर टू सपोर्ट द फिल्म. यू यू गेट अ ऑडियंस इन द फेस ऑफ अरबाज एंड राजीव, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई मीन, दे आर सीनियर एक्टर्स, दे आर एक्टर्स हु हैव बीन हियर एंड डन अ लॉट मोर वर्क देन वी हैव. सो इफ दे कम, दे सपोर्ट द फिल्म, यू नो, दैट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू द गिव टू द ऑडियंस, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ मी टू? आई फील कि ये जो फिल्म है, ये देखने के बाद बहुत सारी फैमिलीज उन लड़कियों को जो सपोर्ट नहीं करती जिनके साथ रेप हो जाता है, आई विश कि उनको थोड़ी समझ आएगी कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. अगर किसी वाइफ के साथ होता है, जैसे मैंने पोर्ट्रे किया है एक वाइफ का कैरेक्टर, और वो वाइफ के साथ एक रेप होता है, और कैसे हस्बैंड उसका सपोर्ट करता है, कैसे एक पिलर और स्ट्रेंथ के साथ वो खड़ा होता है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है वो सभी के लिए, और लड़की के लिए भी, कि आजकल डिजिटल मीडिया इतना बड़ा है कि आप अगर पुलिस कंप्लेन करने जाते हो, या बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारी जो इंक्वायरीज होती है उनसे डरते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे आकर एक डिजिटल मीडिया पे एक मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, और वहाँ से भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है. तो आई थिंक ये फिल्म देखने के बाद लोगों को, एक लड़कियों को, मैं ये नहीं कहती, भगवान ना करे कभी हो ये किसी के साथ, बट फिर भी अगर जिनके साथ हुआ है वो भी आके अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अभी भी अगर बहुत अच्छे उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया है तब भी आके बोल सकते हैं, और नहीं किया है तब भी अपना नाम हटा के, या जैसे भी, कम से कम आगे आइए. मुझे लगता है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तब भी आप आगे आइए, और आने वाले समय के लिए और ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो जाएगी. अर्चना, हम एक फिल्म देख रहे थे, और फिल्म ये फिल्म जब देख रहे थे तो उसमें एक आईफोन मिला आपको गिफ्ट किया. हाँ. तो मतलब सीन का क्या ये था कि मतलब अगर किसी का रेप हुए तो आईफोन दे दे? नहीं नहीं, अरे नहीं, ये तो पहले का है, जब वो लड़की स्वेटर ऐसे कर रही है तब वो रेप के बाद. अब सेम फिल्म देखी है, आपने कौन सी फिल्म देखी है भाई? तो जो जब वो कर रही होती है, वो सेम स्वेटर को टच करती है, तो उसको
वो फ्लैशबैक में जाती अच्छा, है गिफ्ट के बारे में बात गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो तो, एक फ्लैशबैक सीन था जो कि एक क्यूट मोमेंट था पति और पत्नी के बीच का और मेरे बर्थडे पे बर्थडे गिफ्ट था बट एनिवर्सरी था और मेरे पति ने आईफोन गिफ्ट किया मैं आपको बताऊं ये जैसे मैं खुद पर्सनली सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं बट मैं ये समझ सकता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से अब मूवमेंट लाइक हैशटैग मीडिया जो कि एक आवाज़ दे सकती है हालांकि जैसे एक औरत को किसी गाँव चलो एक शहर में मैं कहूँगा जो कि ऑनलाइन जा सकती है और इस मूवमेंट में भाग ले सकती है तो वो औरत शायद कतराए सोसाइटी की वजह से अपनी माँ की वजह से हस्बैंड की वजह से पुलिस के पास जाने से भी कतरा सकती है बट सोशल मीडिया एक वो चांस उसे देती है ये मूवमेंट उसे एक चांस देती है जो कि वो वहाँ पे जाकर अपनी चीज़ें बोल सकती है वो शी कैन कम आउट इन द ओपन विद इट और वो बहुत बड़ी बात है तो हमारी फिल्म उसी चीज़ की एक झलक शुरुआत इस सारी चीज़ की हुई थी पिछले साल जब हमने हमारा चैनल शुरू किया था प्लेग्राउंड डिजिटल सिनेमा तो आप लोगों को शायद याद हो या ऑडियंस ने देखी हो पिछले साल हमने बनाई थी पीनट बटर गौहर खान को लेकर के उसी प्रथा को या उसी चीज़ को फॉलो करते हुए इस साल वुमेंस डे के लिए हमने आप देख रहे हैं हमने बनाई हैशटैग मीटू का आइडिया एक्चुअली जो मुहिम चलाया हैशटैग मीटू को लेकर के इससे ही एक आइडिया दिमाग में आई थी एंड व्हाट आई वांटेड टू से जो ये हो रहा है हमारी कंट्री में बाहर भी हो रहा है बट लेट्स टॉक अबाउट आवर कंट्री द रेप सीन विच इज़ वेरी बैड उसमें पीपल आर नॉट कमिंग आउट दे आर नॉट कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट इट दे आर नॉट कमिंग आउट एंड टेलिंग अबाउट इट दे आर नॉट इवन डूइंग कोई केस भी नहीं करते डर के मारे कि लोग क्या कहेंगे समाज क्या सोचेगी फैमिली फ्रेंड्स क्या बोलेंगे तो ये फिल्म उस बारे में कि कम आउट एंड टॉक अबाउट इससे मन भी हल्का होगा शेयर करोगे तो एंड एक फैमिली बॉन्डिंग भी आ जाती है जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो भी इंडियन हमारे में हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फैमिली साथ आकर के इस चीज़ को फेस करती है सो दिस इज दैट आई वॉन्ट टू टेल थ्रू अ वुमेंस पॉइंट ऑफ व्यू सो हैशटैग मीटू सर इसके ऊपर क्या रिसर्च करनी पड़ी आपको और इसके अलावा कोई रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है स्टोरी अगर आप इस बारे में सर रियल स्टोरी मेरे आसपास तो फॉर्चुनेटली गॉड इज बीन काइंड ऐसा कुछ नहीं हुआ बट हाँ न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में टीवी में पढ़ते देखते ये चीज़ें हो रही है अनफॉर्चुनेटली तो इसी ने इंस्पायर किया कि लेट्स टॉक अबाउट दिस लेट्स मेक अ शॉर्ट फिल्म अबाउट दिस तो हाँ ऐसी कहानियों ने पेपरों से और टीवी से और न्यूज़ से इंस्पायर किया है बनाने के लिए मुझे देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।